आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मंगलवार को ही नगला किशन लाल में बसपा से निष्कासित पूर्व विधायक कालीचंद सुमन और भाजपा नेता पूर्व विधायक गोटेलाल देवेश भी पहुंचे। स्टेपल हत्याकांड पर उन्होंने रोष जाहिर किया है। ये नगला किशन लाल में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक परिवार को खत्म कर दिया गया बदमाशों ने। आखिर ये कैसे उपज हुई, तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि कार्रवाई तो की है, वो पकड़े गए, वो जेल भी जाएंगे, उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग कैसे पैदा हो रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो गई, उन पर पहले से ऐसे शिकंजा कसें। आखिर क्या चाहते हैं बदमाश लोग, गुंडे लोग? गुंडे बदमाश की कोई जाति नहीं होती है। उन पर इतना कड़ा शिकंजा कसें कि आगे ऐसी वारदात ना करें। उस परिवार में आज मैं आया हूँ तो देखने को मिला है, उनके दंपत्ति की माँ है, वो करीब 90 साल की हैं, वो ऐसे रो रही हैं, ऐसे बिलख रही हैं, उनके घर में कोई बचा नहीं है। मैं तो सरकार से मांग भी करूँगा, उनका और भी परिवार है, उनको मुआवजा भी मिले। और ऐसे लोग क्यों ऐसे आखिर कर रहे हैं? प्रशासन इतनी सख्त कार्रवाई पहले से कर दे कि वो आगे ऐसी वारदातें ना करें, क्योंकि उन पर शिकंजा नहीं कसेंगे, उन पर कोई रियायत ना बरतें, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आगे कोर्ट है, मैं तो चाहूँगा उनको फांसी भी हो, क्यों नहीं होगी? आखिर उनको क्या हक है? किसी लालच में आकर किसी की हत्या कर दें, परिवार को नष्ट कर दें, उनको कोई हक नहीं है, संविधान कहता है। मैं तो फिर एक बार उन्हें ये कहूँगा कि दुख भरी ये घटना है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।